महाराजगंज में घर में लगी आग परिजनों ने लगाया रंजित की वजह से आग लगाने का आरोप। महाराजगंज जनपद के निचलौल थाना अंतर्गत ग्राम अर्दौना में मध्य रात्रि में एक घर में आग लग गया, जिसमें कोई नहीं था। सारा परिवार किसी रिश्तेदार के घर मुंडन संस्कार में गए हुए थे और रात्रि में आग लग गया। आग लगने के कारणों का पता तो नहीं चला, पर परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर पुरानी रंजिश के तहत घर में लूटपाट करने के पश्चात आग लगाने का आरोप लगाया है। वहीं जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है वह गायब है, घर पर कोई नहीं है। अब जांच के उपरांत ही पता चलेगा कि सत्यता क्या है। फिलहाल घर में रखे रुपयों के साथ लाखों रुपए की हानि हुई है और सब सामान जलकर राख हो गया है। सर, ये घटना मुताबिक जो है कि 10:40 का घटना है रात का, और उस समय जो है कि हमारे घर पे माँ थी और बच्चे और सभी परिवार सहित लोग सब मुंडन संस्कार में गए थे रिश्तेदारी में, और हम जो है 22 तारीख आने वाले 22 तारीख को कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के आगमन पे जो है कि उसी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए थे, और इसका मीटिंग हम लोग जो है कि भिटौली के करीब एक हरपुर मंद गाँव है वहीं पर कर रहे थे। इसी दौरान जो है हमारे पास खबर गया और हम वहां से चल दीजिए, और 11:30 रात को हम अपने घर जो है कि आकर पहुंचे। सर, कितनी की क्षति हुई है? सर, क्षति जो अगर देखा जाए तो क्षति सर जो है कि एक हमारा जमीन था, उस जमीन खेत का जमीन था, उसको बेच करके हमने 3,80,000 रुपए बचा करके जमीन कहीं खरीदने के लिए रखे थे अलमारी में, और उसको तोड़ करके दबंगों ने पैसे को निकाला और उसके बाद मिट्टी का तेल डालकर हमारे पूरे घर को जला दिया गया। अगर देखा जाए तो क्षति जो है कि हमारा कम से कम 9-10 लाख रुपए का हुआ है, और हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं खुल करके इसलिए नहीं बयान दे पा रहा हूँ कि दबंगों से हमें डर है कि हमारे बच्चे को चाहे हमें भी खतरे का जो है कि हो सकता है खतरा आगे चल के, इसलिए दबंगों का नाम मैं नहीं दे पा रहा हूँ। जनपद महाराजगंज से बैजनाथ पासवान की रिपोर्ट।